Hello students, my name is Sagar Pandya and today we are going to learn about certain important questions that can be expected in your 10th standard board exam. Let us start with the first part, learning about the first chapter, that is historiography and towards west. So in this particular chapter there are certain important topics that we are going to learn जिसको हम लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट करना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल द अर्लीएस्ट इंस्क्रिप्शंस ऑफ लूवर म्यूजियम, ऑल्सो HRM दैट इज हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड का जो कॉन्सेप्ट चार्ट दिया है, जो पेज नंबर 1 पे दिया है, दैट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट चैप्टर. अलॉन्ग विद दैट कार्ल मार्क्स क्लास थियोरी विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन कम फॉर योर एग्जाम. That can be expected. Along with that, Michel Foucault का जो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज है उसके ऊपर एक आंसर पूछ सकते हैं, अगर ये या फिर कार्ल मार्क्स का जो क्लास स्ट्रगल था वो. अलॉन्ग विद दैट फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का एक आंसर पूछ सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट देर आर सर्टन शॉर्ट नोट्स विच विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट, लाइक एनल स्कूल, लूवर म्यूजियम एंड डायलेक्टिक्स, दैट कैन बी आस्क्ड, दैट कैन बी एक्सपेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम. रिमेंबर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट चार्ट हिस्टोरियोग्राफी इन द वेस्ट में इसके अलावा एक और पूछ सकते हैं, बट हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट. इसके बाद आते हैं सेकेंड चैप्टर के ऊपर. इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं और रादर हम लोगों को जिसके ऊपर फोकस देना है, दैट विल बी ऑब्वियसली इन हिस्टोरियोग्राफी ऑफ इंडिया वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट हिस्टोरियोग्राफी. तो इसमें हम लोगों को फोकस देना है ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, दैट इज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सब ऑल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी. इसके साथ हम लोगों को पढ़ना है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी एंड ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. नाउ दिस इज वन सच फोकस जहां पे सबसे ज्यादा अपना मार्क्स आ सकता है, और रादर आई वुड से कि सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये तीनों में से एक आ सकता है. अलॉन्ग विद दैट वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ VK रजवाड़े, विच बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट आंसर, जो बहुत सारे स्कूल एग्जाम्स में भी पूछा गया है. Along with that, the short notes which can be asked, that can be of obviously, एक question है which will be very much different, जो non-textual है, but कुछ exams में ऐसे पूछा गया था in their prelim exam, that is with respect to James Mill. अभी ये James Mill वाला जो answer था, it was a non-textual question, but पूछा गया था in certain answers, तो पूछा जा सकता है. And the writers, जैसे for example, आमिर खुसरो, मिनाजुल सिराज, ये writers का जो short paragraph दिया हुआ है, that becomes very much important. The third chapter, Applied History, gives you importance about the public history. तो वो एक पब्लिक हिस्ट्री वाला आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बराबर से करके जाना. एक और आंसर है जो शॉर्ट नोट है, अभी ये अगर आ गया तो तेरा लॉटरी. इट मींस दैट वो क्वेश्चन है कौन सा, अप्लाइड हिस्ट्री, शॉर्ट नोट ऑन अप्लाइड हिस्ट्री. एवरीबॉडी नोज, बहुत सारे स्कूल के प्रीलिम एग्जाम में पूछा गया था, दैट इज अ 3-point आंसर एंड उसका 2 marks ईजिली मिल सकता है. So whenever you are going through applied history, it becomes very easy. Along with that, जब भी हम लोग applied history का various fields देखते हैं, तो applied history के various fields में 3 fields पे सबसे ज़्यादा focus करेंगे, that is science, arts and management studies. ये तीनों का मिला के एक important 3 mark का answer तो बना ही सकते हैं, and वो answer पूछा गया है बहुत अच्छा, वो एक textual question भी है, so that becomes very important. Along with that, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबके दिमाग में कॉमन आया है, दैट इज पेज नंबर 18 पे जो पूरा का पूरा टेबल दिया है, वो पढ़ना जरूरी है क्या? ऑब्वियसली वो जरूरी है. उसका जितना भी इवेंट्स दिया है ईयर के साथ, या फिर जिसको प्लेसेस, नेम ऑफ द प्लेसेस दिया हुआ है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसमें से एक कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज वो पेज नंबर 18 बराबर से पढ़ के जाना. चैप्टर नंबर 3 में शॉर्ट नोट, उसमें हम लोग देख सकते हैं अर्लीएस्ट म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम के ऊपर पूछा जा सकता है, एंड ऑब्वियसली मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था अप्लाइड हिस्ट्री वाला. देर इज वन मोर क्वेश्चन जो सब में कॉमन रहता है, जो थर्ड चैप्टर से चालू होता है, दैट इज प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज वाला. आई रिपीट, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज चैप्टर नंबर 3 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक, ये प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज वाले हर एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. मतलब ये इसमें से कोई भी एक गारंटी है कि कोई भी एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी वाला आंसर आ सकता है. सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज बराबर से पढ़ के जाना.
Now coming down to chapter number 4, that is history of Indian arts. Indian arts, as the name says, हम लोग paintings के बारे में पढ़ रहे हैं, तो Maratha style of painting वाला answer कैसे छूट सकता है? Maratha style of painting वाला answer बहुत सारे schools में भी पूछा गया था, but ये chapter normally students prefer करते हैं कि ये omit कर दे, don't ever do that mistake. इसमें से कुछ-कुछ answers हैं जो सबसे ज़्यादा important है, जैसे चित्रकथी वाला answer, that is Pinguli tradition वाला, and दूसरा है हेमत पंती style वाला. ये दोनों answer सबसे ज़्यादा expected है, but the least expected question जो पूछा जा सकता है, that is Warli painting वाला. So dear students, remember this thing, ये दोनों के अलावा Warli painting वाला answer भी शायद पूछा जा सकता है, because कभी-कभी ऐसे different questions पूछ लिए जाते हैं, और मेरा बच्चा अगर confused हो जाएगा उधर, तो it will become very difficult. ऑप्शन मत छोड़ना फोर्थ चैप्टर को. अलोंग विद दैट एक कॉन्सेप्ट चार्ट है जो सबसे ज्यादा कॉमन था, टेंपल आर्किटेक्चर वाला, तो दैट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. उसके अलावा ऑब्वियसली मैंने मेंशन किया है प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज वाला एक पार्ट है, एक क्वेश्चन है विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फोक स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग. नाउ दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट टास्क जहां पे तुम आराम से अपना बोल सकते हैं कि यू कैन शो योर दैट विल बी योर प्ले ग्राउंड, आराम से तुम उसमें परफॉर्म कर सकते हो बिकॉज उसका तुमने प्रैक्टिस किया हुआ है, दैट इज फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग का. नाउ दिस इज फोर्थ चैप्टर. उसके बाद आता है फिफ्थ चैप्टर मास मीडिया. नाउ मास मीडिया में ना बहुत सिलेक्टेड पार्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज शॉर्ट नोट्स विथ रिस्पेक्ट टू न्यूज़पेपर, विथ रिस्पेक्ट टू टेलीविजन, विथ रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिया रेडियो. इसके साथ साथ एक और है, दैट इज भारत एक खोज वाला आंसर. नाउ भारत एक खोज वाला आंसर डिस्क्रिप्टिव रहेगा, अगर तीनों नॉन टेक्सचुअल शॉर्ट नोट्स आया, तीनों टेक्सचुअल शॉर्ट नोट आया, तो उसमें से एक भारत एक खोज वाला बहुत डिस्क्रिप्टिव है तो तुम छोड़ सकते हो, वरना अगर प्रैक्टिस किया तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग. प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज ऑफ मास मीडिया विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट. अलॉन्ग विद दैट एक क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा ईजी था, दैट इज वाई डू वी नीड मास मीडिया, जो पूछा भी जा सकता है, इट इज एक्सपेक्टेड इन बोर्ड एग्जाम. कॉन्सेप्ट चार्ट विथ रिस्पेक्ट टू न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन विल बी इंपॉर्टेंट. The sixth chapter that we are going to learn is with respect to entertainment and history. Short notes with respect to Marathi literature, with respect to Povadas and Bharuds and Tamasha will become very much important. Maharashtra and Indian film industry ka jo connection wala answer hai wo, and concept chart teen type ke aayenge, ek hai the types of movies wala hai wo, and along with that Kirtan, the characteristics of Bhajan, Kirtan, Lalit and Bharuds, that becomes very much important. चैप्टर नंबर 6 के ऊपर फोकस किया, मतलब तेरा ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस बन गया कि तू चैप्टर नंबर 9 के बहुत सारे आंसर्स को तू लेट गो ऑफ कर सकता है. बट डियर स्टूडेंट्स, आई स्टिल रेकमेंड कि वो ना करो तो बेटर रहेगा. नाउ कमिंग टू चैप्टर नंबर 7, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री. इसमें हम लोग क्लियर रखेंगे, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री पूरे साल बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, तो उसमें टॉयज एंड फेस्टिवल्स वाला आंसर विल बी इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स एंड मूवीज वाला विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट एक आंसर है जो सबसे ज्यादा स्टैंड अलोन रहता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स. नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये ना एक लालची आंसर है जो हमेशा हम लोग ट्राई करते हैं बट उसमें फुल मार्क्स नहीं आ पाते, तो अगर ये ऐसा सिचुएशन आया, try to avoid that question, difference between indoor games and outdoor games wala. Along with that, history of toys and short notes with respect to Balje Pandit. Balje Pandit wala answer will be, I would rather say a trump card. Agar wo aa gaya to tera lottery nikal jayega, just like applied history wala answer. Globalization of sports is another answer जो हम लोगों ने almost, I would rather say, हर एक prelim paper में solve किया है and becomes a very easy short note while solving. And एक answer रहेगा जो least expected, जैसे मैंने बोला था कि least expected है, ऐसा एक answer ये chapter sports and history में से है, that is एक do you know box है जिसका नाम है कथा सरिता सागर. वो अगर पूछ लिया, that will be a different thing जहाँ पे तुमको तुम फंस सकते हो and वहाँ पे तुमने prepare नहीं किया रहेगा, but दूसरे दो answer बड़े हैं और ये छोटा है तो तुम लालच में आओगे. Try to avoid that answer, कथा सरिता सागर वाला, because तुमको वो answer लिखने का practice नहीं रहेगा. चैप्टर नंबर 8 टूरिज्म में बहुत इजीली हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं द कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्को पोलो, एंड अलग अलग टूरिज्म में एग्रो टूरिज्म विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, अलोंग विद द फोर टाइप्स ऑफ टूरिज्म वाला जो आंसर है,
जिसमें तुम अटेम्प्ट कर सकते हो जो भी आंसर तुमको कंफर्टेबल लगे, बट नॉर्मली हम लोग ज्योग्राफिक, हिस्टोरिक, एग्रो टूरिज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो लिख सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट द विलेज ऑफ भिलार जो स्ट्रॉबेरी वाला आंसर है या महाबलेश्वर वाला आंसर है बिकम्स वेरी ईजी, एंड जिसका सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस भी किया है हमने, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू राइट डाउन। एंड अलॉन्ग विद दैट हेरिटेज वॉक्स वाला आंसर है दैट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक स्टैंड अलोन, जैसे इसमें बोला, मैं हर एक चैप्टर में बोल रहा हूं, टूरिज्म बिकम्स मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बिकम्स एन आंसर विच कैन बी आस्क्ड दिस ईयर। आई वुड रादर से कि ये ऐसा वाला आंसर है विच कैन बी अ ट्रम्प कार्ड अगेन फॉर यू फॉर राइट स्कोरिंग गुड मार्क्स। चैप्टर नंबर 9 पे आते हैं नाउ, हेरिटेज मैनेजमेंट। नाउ आई वुड रादर से हेरिटेज मैनेजमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा सोचेंगे कि यार इसको ऑप्शन में छोड़ना है, बट आई वुड रादर से कि ये सिलेक्टेड आंसर्स बराबर से करके जाओ, बाकी करना है ऑब्वियसली, बट इसके ऊपर ज्यादा फोकस देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल द आंसर्स और द शॉर्ट नोट्स ऑफ विश्वकोश, स्थलकोश एंड द टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक आंसर है जो छोटा है जिसको हमने हमेशा इग्नोर किया है, दैट इज साम्यकोश। दैट विल बी द आंसर, दैट विल बी द ट्रम्प कार्ड ऑफ दिस पर्टिक्युलर चैप्टर। One answer which is asked commonly in the prelim exams of schools and colleges, that is Saraswati Mahal Granthalay, and that answer will be very much important. Library management is the least asked question. बहुत सारे questions है जो नहीं पूछे गए थे, तो library management will be one such part जहाँ पे तुम focus नहीं करना चाहोगे, इसको option में छोड़ सकते हो। concept chart with respect to times of encyclopedia will be a very important answer जो अगर पूछा जाएगा, normally maximum number of schools के prelim paper में पूछा गया है, तो अगर तुम वो करोगे that will be the best thing। alright, so let's move to the next part, learning about the political science part। पॉलिटिकल साइंस में ना हमेशा एक चीज याद रखना, 12 मार्क्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस में ट्रू और फॉल्स जो टेक्सचुअल करके जाओगे दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दैट इज वन सच वे जहां पे नॉर्मली दैट बिकम्स अ रीजन फॉर गेटिंग 39 आउट ऑफ 40 इन अ हिस्ट्री पेपर। अलॉन्ग विद दैट व्हेन वी लर्न अबाउट द पॉलिटिकल साइंस पेपर, द फर्स्ट चैप्टर वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड चैप्टर इलेक्टोरल प्रोसेस, ये दोनों के ऊपर तुमने इतना प्रैक्टिस किया है, हो सके उतना ज्यादा तुम फोकस करोगे वाइल राइटिंग द आंसर। यू हैव टू फोकस ऑन द आंसर्स विच आर गिवन इन दीज फर्स्ट टू चैप्टर्स। लाइक वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले में देखे तो देर आर सर्टन क्वेश्चंस लाइक राइट बेस्ड अप्रोच, राइट टू इंफॉर्मेशन, सोशल जस्टिस एंड रिड्यूसिंग द वोटर्स एज लिमिट फ्रॉम 21 to 18 बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विद दैट इलेक्टोरल प्रोसेस वाले चैप्टर में अगर जाए, नाउ दैट इज बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस, राइट? तो इलेक्शंस में हम लोग किधर फोकस करेंगे, तो एक आंसर जो हम लोगों ने हर एक प्रिलिम पेपर में लिखा है, दैट इज द आंसर ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सुकुमार सेन, दैट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड अलॉन्ग विद दैट द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, एंड वो आंसर इतना परफेक्टली तुम लोगों ने पढ़ा है डियर स्टूडेंट्स कि वो तुम कॉन्फिडेंटली लिख सकते हो उसमें। फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन पूछा, मतलब दैट इज योर आंसर, याद रखना। दूसरा एक आंसर है जो सेम चैप्टर से पूछा जाता है, दैट विल बी इन द कॉन्सेप्ट मैप, मतलब ये दोनों में से एक कंपलसरी नॉर्मली आता ही है, दैट इज तुम्हारा कॉन्सेप्ट चार्ट रहेगा प्रोसेस ऑफ इलेक्शन का। दैट इज वन सच आंसर जो तेरा गलत होने का चांसेस 99% नहीं हो सकता, एंड मार्क्स कटने का चांसेस 99% नहीं हो सकता, सो डू अटेम्प्ट दैट आंसर। देर इज अनदर इंपॉर्टेंट आंसर जो शॉर्ट नोट बोल सकते हैं, दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट, दैट कैन बी एक्सपेक्टेड इन दिस एग्जाम बिकॉज लास्ट एग्जाम में पूछा गया है, उसके पहले में भी पूछा गया है, तो ये आंसर इसमें लिखेंगे तो बेटर रहेगा एंड प्रिपेयर करेंगे तो बेटर रहेगा। जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्स टू ईवीएम, नाउ दैट इज अ ट्रम्प कार्ड क्वेश्चन, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज ये वाला आंसर ना हर एक एग्जाम में एक्सपेक्ट किया है बट अभी तक पूछा नहीं था, सो इफ यू आर गोइंग थ्रू दैट इट विल बी एन ईजी टास्क। द थर्ड चैप्टर ऑफ पोलिटिकल साइंस इज द पोलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज में देर विल बी फोर आंसर्स जिसके ऊपर फोकस करेंगे, रीजनलिज्म के ऊपर, नेशनल पार्टीज के ऊपर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, एंड द फोर्थ वन जिसके ऊपर फोकस करना है दैट विल बी योर कॉन्सेप्ट चार्ट जो टेक्सचुअल है वो।
द फोर्थ आंसर दैट इज सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट का इंपॉर्टेंट फोर्थ चैप्टर हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इसमें तीन अलग अलग मूवमेंट्स में फोकस करना है, ट्राइबल मूवमेंट, लेबर मूवमेंट एंड कंज्यूमर मूवमेंट. ये तीनों कर लिया, दैट विल बी द मोस्ट ईजी पार्ट. एंड द फिफ्थ चैप्टर दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू चैलेंजेस, इसमें फोकस करेंगे तीन आंसर के ऊपर, दैट इज करप्शन, लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. डियर स्टूडेंट्स, 12 मार्क्स का पॉलिटिकल साइंस के आंसर में ना, एंड हिस्ट्री के रादर जितने आंसर्स है उसमें, सबसे ज्यादा गलती किधर होता है या डर किधर लगता है? ईयर्स में. हमेशा याद रखना, वेन एवर यू आर राइटिंग द आंसर्स, यू विल बी अंडरलाइनिंग द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स. एंड ये कीवर्ड्स में चार चीजें सबसे ज्यादा अंडरलाइन करना है, नेम्स, प्लेस, इवेंट्स एंड ईयर्स. ये चार चीजें अंडरलाइन कर लिया, मतलब यू आर सर्विंग द एग्जामिनर अ गुड आंसर. एंड वो अंडरलाइन करने के बाद हमेशा तुम अगर सर्व कर रहे हो तो एग्जामिनर भी खुश रहता है कि अरे वाह, इसने मस्त खट 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 दो मार्क, खट 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 तीन मार्क्स आराम से दे सकता है. अगर ये चीज नहीं करना है, अच्छा गलत ईयर लिख के आओगे तो दैट विल बी द वर्स्ट थिंग यू आर डूइंग. ईयर नहीं आता है मत लिखो, चलेगा, बट गलत ईयर लिख के मत आना और उसको अंडरलाइन कर दिया तो हो गया खत्म, दैट विल बी रॉन्ग थिंग. सो ये चीज ऐसा फोकस मत करना. उसके अलावा यू हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट ऑफ पेपर्स, रिमेंबर वन थिंग, यू ऑल हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट ऑफ पेपर्स एंड ब्रीफ आंसर से डरना मत. पिक्चर स्टडी वाला क्वेश्चन रहेगा तो प्रॉपरली अटेम्प्ट करना, देखना. उसमें दो मार्क वाला जो आंसर रहेगा, होपफुली वो टेक्सचुअल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा. जो 1, 1, 2 वैसे 4 मार्क्स का रहेगा, उसमें जो 2 मार्क्स वाला आंसर रहेगा होपफुली वो टेक्सचुअल क्वेश्चन रहेगा. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट वेल. उसके अलावा यू आर डूइंग इट परफेक्टली वेल, यू ऑल आर परफॉर्मिंग वेल. बस एक चीज याद रखना, यू हैव फोकस्ड द एंटायर ईयर. अभी कुछ भी सिली मिस्टेक करके गलती मत करना. ऑलराइट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, हैव अ रॉकिंग एग्जाम. पेपर के बाद पेपर का पोस्टमार्टम मत करना, पेपर इज गोइंग टू बी ऑसम. ऑल द बेस्ट.